तो एडवांस एक्सेल की हमारी ये पहली क्लास है, और इस क्लास में हम बात कर रहे हैं डेटा सिलेक्शन, हाउ कैन सिलेक्ट द डेटा। हम डेटा को किस तरह से सिलेक्ट करेंगे ये आज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले क्लास में हम डेटा सिलेक्शन के बारे में क्यों बातचीत कर रहे हैं? देखिए, डेटा सिलेक्शन के बारे में हम बातचीत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आप एक्सेल में बिना किसी डेटा को सिलेक्ट किए किसी भी तरह का चीज अप्लाई नहीं कर सकते। आपको कॉपी करना है नीड ए सिलेक्शन डेटा, आपको पेस्ट करना है नीड ए सिलेक्शन डेटा, अगर आपको पिवट अप्लाई करनी है, फिल्टर अप्लाई करनी है, एनीथिंग टू इन द एक्सेल नीड ए सिलेक्शन। सो सिलेक्शन इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आज हम बात करेंगे सिलेक्शन के ऊपर। तो जो डेटा है अगर इसको माउस से सिलेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे? माउस से सिलेक्ट क्लिक करेंगे और माउस पॉइंटर को नीचे की तरफ मूव करते हुए इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट सर? आप उससे अच्छा ये भी है कि आप पहले वाले को क्लिक करो, शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट वाले पे क्लिक करो। सिलेक्ट हो गया सर, आप क्लिक कीजिए स्टार्टिंग सेल में, अपने शिफ्ट की को होल्ड रखें और सबसे लास्ट में सिलेक्ट करें तो आपका डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। यस, ठीक है सर। यस यस, लेकिन अगर कीबोर्ड के सिलेक्शन की बात करें तो जनरली यूज करते हैं कंट्रोल प्लस ए, मतलब सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस ए इट मींस सिलेक्ट ऑल। यार ये जो फीचर है इस किसको किस किस ऑप्शन को ट्रिगर करता है? देखिए, जो भी आप शॉर्टकट यूज करते हो वो किसी न किसी मेनू बार के ऑप्शन से कनेक्टेड होता है। जैसे कि हम कंट्रोल सी करते हैं कॉपी, तो ये रहा कॉपी, कंट्रोल वी ये रहा, उसी तरह से इसका क्या है, कंट्रोल ए का क्या है? तो होम मेनू बार के अंदर ही फाइंड एंड सिलेक्ट के अंदर गो टू स्पेशल, ठीक है। अब इस गो टू स्पेशल में आप आएंगे तो यहीं पे आपको दिखेगा करेंट रीजन, क्या दिखा? करेंट रीजन। अब इस करेंट रीजन पे क्लिक करके जैसे ओके करेंगे पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट कर कंट्रोल ए का। लेकिन इसके भी कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कोई पूरी की पूरी कॉलन ब्लैंक हो तो कंट्रोल ए उस कॉलन से पहले ही सिलेक्ट करता है, उसके बाद नहीं जाता है। उसी तरह से अगर पूरा का पूरा रो ब्लैंक है तो कंट्रोल ए करने पे इसके ऊपर जाएगा, उसके नीचे नहीं आता, ठीक है सर? तो मैं पूरी की पूरी रो या कॉलम ब्लैंक की बात कर रहा हूं, किसी एक सेल में ही अगर टाइप होगा तो डेटा आपका सिलेक्ट हो जाए। हो गया सर। तो पूरे डेटा को इस तरह से हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। अब कर्सर मूव की बात करते हैं, कर्सर सबसे लास्ट में आना है तो आप माउस के कीबोर्ड से क्लिक करके माउस से क्लिक ला सकते हैं। अब कीबोर्ड से शॉर्टकट प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल डाउन एरो, सबसे लास्ट में आ जाएंगे, कंट्रोल डाउन एरो, राइट से राइट में, अप से अप में, तो इस तरह से आप ऊपर नीचे आगे पीछे मूव करवा सकते हैं अपने कर्सर को, राइट सर? राइट राइट। लेकिन अगर इसमें कहीं ब्लैंक हो, जैसे यहाँ ब्लैंक है तो फिर ऊपर से यहीं पर रुक जाएगा, नीचे नहीं आएगा, तो ब्लैंक को नहीं कर पाता। अब इसी में मान लीजिए कि यहाँ कर्सर है और मैं यहाँ पे आता हूँ तो क्या होता है, कर्सर मूव होता है ना सर, लेकिन शिफ्ट प्रेस करके कहीं क्लिक करते हो तो सिलेक्ट हो जाता है। उसी तरह से अगर मैं एरो की से यू करता हूँ तो आगे जाता है, या कंट्रोल राइट एरो डाउन करता हूँ कर्सर मूव होता है। अगर इसी में मैंने कंट्रोल के साथ शिफ्ट का यूज किया राइट एरो से राइट में, डाउन एरो से डाउन में, नीचे की तरफ आ गया, तो कंट्रोल शिफ्ट राइट से राइट एंड डाउन से डाउन, कंट्रोल शिफ्ट राइट से राइट एंड डाउन से डाउन, तो आपका पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। बस वही है, अगर ब्लैंक हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, इसमें आती है अब एंड की। तो एंड की करने के लिए मुझे इसको एक अलग शीट पे करना पड़ेगा। एंड मतलब कि आप जो है अपना कीबोर्ड का एंड की प्रेस करेंगे तो नीचे देखिए यहाँ एंड मोड आ गया,
अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो कर्सर सबसे लास्ट में चला जाएगा। अब ये चीज मैंने इस सीट पे क्यों नहीं किया, क्योंकि तो मैं एंड करके एंटर प्रेस करता तो कर्सर यहां आता है, मतलब कि यूज्ड सेल, जो सेल आपने यूज किया है ना वहां तक पहुंचेगा, यूज्ड सेल। इसी में अगर मैं कंट्रोल के साथ एंड बटन क्लिक करता हूं तो सबसे लास्ट में आएगा, और कंट्रोल के साथ होम करता हूं तो सबसे पहले आएगा, और जाहिर सी बात है शिफ्ट करूंगा तो डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल शिफ्ट और एंड कर देंगे। अब बोलेंगे सर मेरे पास कंट्रोल ए है, मेरे पास कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो है, तो फिर हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं? देखिए अगर आपका पूरा का पूरा रो ब्लैंक है तो इसमें आपका कंट्रोल ए वर्क नहीं करेगा, नहीं कर रहा है सर। लेकिन कंट्रोल के साथ शिफ्ट एंड करता हूं तो वर्क कर जाएगा, कर गया। सेम अगर बीच बीच में कहीं कहीं ब्लैंक है तो कंट्रोल शिफ्ट जो है वहीं पर रुक जाएगा, पर कंट्रोल के साथ एंड पूरा सेलेक्ट कर लेगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपका यहाँ पे फालतू में कोई डेटा टाइप है और पहले यहाँ टाइप करके आपने डिलीट कर दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ यहाँ पे अगर हम कंट्रोल के साथ एंड कंट्रोल शिफ्ट एंड करते हैं तो वो भी कॉलम सेलेक्ट हो जाता है, पर कंट्रोल ए में या कंट्रोल शिफ्ट राउट डाउन में नहीं सिलेक्ट होता। समझ में आ रहा है सर आपको? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा आपका नाम ये तो ग्रुप बेसिक है ना। प्रीत, नहीं, आपका नाम ग्रुप प्रीत है ना? मेरा नाम अमरदीप है। अमनदीप, अमरदीप, अमरदीप, ठीक है सर, सॉरी मैं नाम कंफ्यूज हो गया था। इट्स ओके। ये आपका इस तरह से डेटा को सिलेक्ट कर, डेटा सिलेक्शन समझ में आ गया सर आपको? अब हाँ जी, हाँ जी, ये तो बेसिक है, बात थोड़ा बहुत करते हैं पता है मुझे। मल्टी सेल सिलेक्शन। तो मुझे पूरा डेटा नहीं, कुछ कुछ चीजें सिलेक्ट करनी है, तो आप अपने कीबोर्ड का कंट्रोल बटन प्रेस कीजिए, प्रेस करते रहिए, होल्ड रखिए, और जहां मर्जी वहां क्लिक कीजिए, आपका डेटा सिलेक्ट हो जाए। सिर्फ उतना ही डेटा सिलेक्ट होगा जहां पे आप क्लिक कर रहे हैं, उससे आगे नहीं होगा। अब मैं इस पे कलर कर सकता हूं और बाकी चीजें डिलीट विलीट कर सकता हूं, बट इसको कॉपी नहीं कर सकता। कॉपी अगर करना है तो सीक्वेंस को फॉलो करना। कैसे? हमने कंट्रोल सेलेक्ट किया यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ तो हो जा रहा है। उसी तरह से मैंने ए यहाँ पे सेलेक्ट किया, ए यहाँ से, ए से थ्री, ऐसे डी से थ्री, ऐसे जी से थ्री करके कॉपी कर सकता हूँ, तो सेम होना चाहिए, देन कॉपी कर सकते हैं। अच्छा यही सेम चीज जो होता है ना सर, ये आपके सीट के साथ भी होता है। अब मुझे मान लीजिए हर सीट पे कुछ डेटा टाइप करनी है तो कंट्रोल के साथ लास्ट वाले सीट पे क्लिक करूँ, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ टुडे और यहाँ डेट डालता हूँ, तो ये हर सीट पे देखिए ये आपका डेटा है सेम पोजीशन। अब मुझे सर सब सीट पे नहीं, कुछ कुछ सीट पे टाइम देना है। जैसे मैं सीट वन पे देना है तो कंट्रोल प्रेस किया, इससे पहले क्या प्रेस किया था? शिफ्ट, शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट में प्रेस किया था तो पूरा सिलेक्ट हो गया। इस बार हम कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल इसको सिलेक्ट किए, इसको सिलेक्ट किए। अब मैं यहां पे टाइम लिखता हूं और यहां टाइम देता हूं, तो देखेंगे सीट वन पे है, सीट फोर पे नहीं है, सीट फाइव पे है, सीट सिक्स पे नहीं है, सीट इस पे है, ठीक है सर। अच्छा, तो इसका इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन सर? नहीं, कंफ्यूजन नहीं है। ये थी हमारी सिलेक्शन जिसमें आपने बताया किस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हो। अच्छा इसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स की बात की, तो हम आपको अभी क्लास के बाद आपके व्हाट्सएप पे ये शॉर्टकट लिस्ट डाल देंगे, क्योंकि तो सिलेक्शन करने के लिए ओके। यूज किया जाता है। इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है सर, हाँ, राइट सर, ओके ओके। हाँ, क्लियर है? क्लियर है। अब बात करते हैं टाइपिंग। टाइपिंग क्या है? चलिए इसके बारे में हम समझाते हैं। डेटा जब आप टाइप करते हैं तो किस पे टाइप करते हैं? जैसे
मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ नंबर, मैं नंबर टाइप करके एंटर प्रेस किया तो नंबर हमेशा लेफ्ट साइड। लेकिन अगर कोई टेक्स्ट टाइप करता हूँ जैसे मैं यहाँ पे सुजीत लिख दिया तो सुजीत हमेशा राइट साइड, लेफ्ट साइड में, सॉरी ये राइट साइड में। ओके, अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, अगर अगर किसी ने सिंगल कोट लगाया इसमें कोई नंबर लिख दिया तो टेक्स्ट कहलाएगा। तो कभी कोई नंबर अगर, अब ऐसा नहीं कि राइट साइड में जो नंबर, जो आपका लेफ्ट साइड में जो नंबर है वो हमेशा टेक्स्ट ही होता है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये भी है बट ये टेक्स्ट नहीं है। ये कैसे पता चले टेक्स्ट नहीं है? क्लिक करते यहाँ देखिए ये हाईलाइटेड है ना सर, इसका मतलब टेक्स्ट नहीं है। बट ये देखिए इस पे हाईलाइटेड नहीं है, मतलब टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट होने से क्या होता है कि सम का फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में वो उसको कंसीडर नहीं काम करता, नहीं करें राइट सर? तो टेक्स्ट और राइट। नंबर ध्यान रखिए, और किसी भी नंबर के साथ अगर आप नंबर लिखते हो 1 2 3 और यहाँ पे लिख दिया ए बी सी तो ये टेक्स्ट कहलाता है। ओके, समझे सर? ओके हाँ, ये तो बेसिक है। हाँ पता मुझे। हाँ, तो हमेशा आपका नंबर जो है लेफ्ट साइड में होता है और ये आपका टेक्स्ट में है तो होगा आपको, और आपका राइट साइड में होता है। और किसी भी नंबर के ठीक साथ अगर टेक्स्ट लिखते हैं तो उस पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते, जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कैलकुलेशन करने के लिए हमें खाली ओनली डेटा चाहिए, टेक्स्ट नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि नंबर प्लस टैक्स इक्वल टू टैक्स, नो वे टू कैलकुलेशन। जैसे 800 बट अमाउंट दिखा हुआ है, इसका कोई तरीका नहीं है कैलकुलेशन करने का, ठीक है? मतलब कि मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि 1 2 3 एबीसी में चाहता हूँ इसमें 10 जुड़ जाए, 123 हो जाए, तो इसको कोई तरीका नहीं है कि इसमें हम 10 जोड़ दें या 20 जोड़ दें। लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कि जैसे अमाउंट लिखा रहेगा, टेक्स्ट भी लिखा रहेगा, उस पर क्लास जो हो जाता है वो होता है आपकी कस्टम फॉर्मेटिंग से, कि कस्टम फॉर्मेटिंग में 0 दे देता है और यहाँ पे आर एस लिख देता है। तो ये 50 रुपीज आर एस है, दिख रहा है, बट इसमें हम यहाँ पे सम कर सकते हैं क्योंकि ये नंबर जस्ट दिख रहा है। यहाँ पे देखिए सिर्फ क्या है, 1500 है, 500 सॉरी, है ना सर? बट यहाँ पे नंबर टेक्स्ट भी है। ये जो आर एस दिख रहा है ना सर, ये विजुअल है, दिखावे के तौर पे दिखाया जा रहा है जो कि हमने कस्टम फॉर्मेटिंग से लाया है। आगे चल के जो कस्टम फॉर्मेटिंग की जो चीजें हैं ना, अब आपको हम बताएंगे आगे के डिटेल क्लास, पर फिलहाल जान लीजिए कि किसी भी टेक्स्ट के साथ नंबर ऐड है तो आप कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ठीक है? हाँ क्लियर है? ओके गॉट इट क्लियर। समझ गए सर? हाँ जी हाँ जी समझ गया। इसका ध्यान आप रखेंगे। अब बात करते हैं टाइम। अगर आपको अपने सिस्टम का टाइम लिखना है तो आप सिस्टम के टाइम का फॉर्मेट देखें, क्या फॉर्मेट है? डी डी एम एम वाई वाई। जैसे आज का डेट लिखना है मुझे तो 9/8 देना हो, लेकिन जनरली सिस्टम होता है एम एम डी डी वाई वाई। आपका सिस्टम देखिएगा तो आपका मंथ डे होगा, तो आपको 8/9 करना होगा। ईयर मैंने नहीं डाला, करेंट ईयर का डेट है तो ईयर डालने की जरूरत नहीं, ईयर ऑटोमेटिक आ जाए। अब डेट हमने टाइप किया दिखा है ऐसे, तो आप अपनी डेट की फॉर्मेटिंग जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं, ठीक है? टाइम भी सेम आपका दे सकते हैं 10 और यहाँ पे सेमी कोलन करके आप टाइम अपना लिख सकते हैं, ये टाइम आ जाता है। और टाइम के भी आपके यहाँ कस्टम में फॉर्मेट होगा, आप अपने हिसाब से टाइम की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। परसेंटेज की बात करें तो जैसे मुझे 20% लिखना है सॉरी तो 20% का सिंबल हाथों हाथ लिख के एंटर मारेंगे तो 20% आएगा। अगर आपने 20 लिख दिया और फिर परसेंटेज अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2000%, क्योंकि एक्सेल में 1 इक्वल टू 100% होता है। तो अगर बाद में परसेंटेज चाहिए तो 0.20 कीजिए और फिर इसके ऊपर परसेंट का सैंबल अप्लाई कीजिए तो आपका अच्छा परसेंटेज आ जाएगा।
ठीक है। और यहाँ हमने कुछ शॉर्टकट रखे हैं, कंट्रोल सेमी कॉलन करेंगे तो करेंट डेट आ जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट करेंगे तो टाइम आ जाएगी आपकी, टाइम हो जाए। ठीक है। क्लियर है? हाँ क्लियर है। ये दो सेक्शन मैंने आज कराया, इन दोनों का जो है आपको हम एक्सेल फाइल भेजते हैं, इसकी जो मैंने चीजें दी है उसको देख लीजिएगा, आप प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। ये हर क्लास के बाद आपको प्रैक्टिस फाइल मिलती है, प्रैक्टिस वन ओके ऑल अप्लाई कीबोर्ड, और प्रैक्टिस टू में आपको ये फॉर्मेट बनाना, जैसे फॉर्मेट है ना, इस तरह का फॉर्मेट आपको बनाना है। कल की ओके क्लास कैसे में हम फॉर्मूला वर्क के बारे में बात करेंगे, ठीक है। शुरुआती में ठीक जो ठीक क्लासेस थोड़ा सा स्लोली लेके चलता हूँ, फिर धीरे धीरे हम क्लास को स्पीड करते हैं, अच्छा मतलब ठीक है सर। 45 डेज में पूरा कवर हो जाता है ना, हाँ, वी फोर्टी लुकअप आई फाइव डेज लुकअप आपका लमसम है, ये बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, ये सब। अच्छा ठीक है। अब जैसे मान लो मेरे को जल्दी करना हो, मेरे को जल्दी एक्चुअली भी हो चक्कर क्या है जाएगा, कि मुझे जल्दी जैसे भी हो जाएगा, लेट भी हो जाएगा, ये आप पे डिपेंड करता है ना सर। ओके नहीं, मेरा अलाइनमेंट तो सही है। जैसे मुझे अब कहीं मेरे इंटरव्यू पास देना है अगर और टेन सर मेरे पास टेन कोई फिफ्टीन डेज कैप्सूल में तो नहीं ना है, सुबह शाम खिला दूंगा, 12 कैप्सूल हो गए 12 दिन, तो क्या नॉलेज कर है ना। दूंगा।